देखो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे कि भारत का की विधान पालिका, तो भारत की विधान पालिका में जो है वो केंद्रीय विधान पालिका, उसका नाम क्या था? पार्लियामेंट, संसद। इसके बारे में अलग वीडियो पहले का बना हुआ है, आप लोग इसको पहले देख लीजिएगा। उसके बाद आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको समझने में सुविधा होगी। अगर वो नहीं देखते हैं तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो भारत में आपका दो स्तर पर सरकारें चलती है, एक केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पे अलग विधान पालिका, राज्य स्तर पर अलग विधान पालिका। केंद्रीय स्तर की जो विधान पालिका है वो क्या है? उसका नाम है संसद, ठीक है। और राज्य स्तर पर जो विधान पालिका है राज्य सरकार की, वहाँ पर विधान पालिका का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसको विधानमंडल ही कहते हैं। विधान पालिका या विधानमंडल, ये भी विधानमंडल है, लेकिन इस विधानमंडल का नाम क्या है? पार्लियामेंट। लेकिन राज्यों में जो विधानमंडल है, जहाँ राज्य का कानून बनता है, राज्य सरकार कानून बनाती है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसलिए विधानमंडल ही कहा जाता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा राज्य विधानमंडल को थोड़ा केंद्रीय विधानमंडल के साथ तुलना करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। केंद्रीय विधानमंडल दो सदन वाला, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। और उसके साथ राष्ट्रपति को भी जोड़ लिया जाता है, ये सब पहले बताया हुआ है, आप लोग वीडियो को देखिए पहले का, ठीक है। उसी तरह राज्य विधानमंडल भी आपका दो सदन वाला, विधानसभा, विधान परिषद, और उसके साथ राज्यपाल को जोड़ दिया जाता है। लेकिन राज्य विधानमंडल में ये जो दोनों हाउस हैं, दो दो सदन है, तो जो दूसरा सदन है जिसको दूसरा सदन कहते हैं या वो विधान परिषद, लेकिन ये जो है ये हर राज्य में नहीं है। भारत में भी केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, बाकी सारे राज्यों में केवल ये एक ही हाउस है, ये विधानसभा। तो राज्य विधानमंडल जो है भारत का वो दोनों तरह का है, एक सदनीय भी है, द्विसदनीय भी है। जिन राज्यों में दोनों हाउस होंगे उसको कहेंगे द्विसदनीय विधानमंडल, और जिस राज्य में केवल विधानसभा है वो एक सदनीय विधानमंडल। बट केंद्रीय विधानमंडल जो है वो फिक्स है, आपका द्विसदनीय विधानमंडल है, दो हाउस हैं, ठीक है। अब आइए, राज्य विधानमंडल का जो पहला सदन है विधानसभा, इसको हम लोग निम्न सदन या लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, और इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहा जाता है। अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन कौन सा है, तो विधानसभा। निम्न सदन कौन सा है, तो विधानसभा। और निम्न सदन ये क्यों है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया था, वो उसका टाइटल था विधान पालिका संबंधित चर्चा, इस टाइटल से एक वीडियो है, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं विस्तार से समझा दिया हूँ कि निम्न सदन या उच्च सदन क्या होता है उसके बारे में, तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये निम्न सदन है। अब विधानसभा जो निम्न सदन है राज्य विधानमंडल का, इसके बारे में जो चर्चा है, इसके गठन के बारे में कि विधानसभा कैसे बनती है, संविधान के आर्टिकल नंबर 170 में, अनुच्छेद नंबर 170 में उसके बारे में वर्णन है, गठन के बारे में, ठीक है। और वैसे आर्टिकल नंबर 168 जो है, 168 नंबर अनुच्छेद संविधान का, इसमें राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा की गई है कि राज्य विधानमंडल क्या होता है वगैरह वगैरह। तो राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा के बारे में, इसी के बारे में ही चर्चा की गई है, क्योंकि द्विसदनीय विधानमंडल है नहीं सारे राज्यों में, तो विधानसभा सभा के बारे में इसमें चर्चा की गई 168 नंबर धारा में। बट 170 धारा नंबर धारा में विधानसभा के गठन के बारे में चर्चा की गई है, इन दोनों में फर्क है, ठीक है। और जो दूसरा सदन है विधान परिषद, इसकी चर्चा आपका 171 नंबर धारा में की गई है। चर्चा मतलब विधान परिषद का गठन कैसे होता है, ठीक है। और 169 नंबर जो धारा है, इसमें विधान परिषद के कैसे बनता है, कैसे किसी राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, या विधान परिषद है तो उसको लुप्त कैसे किया जाता है, उसको कैसे खत्म किया जाता है, उसके बारे में चर्चा है आपका 169 नंबर धारा में। तो आप सीरियली याद रखिए, 168 नंबर धारा में विधानमंडल के बारे में वर्णन है, ठीक है। 169 नंबर धारा में विधान परिषद के बनने, बनाने या उसको ख़त्म करने के संबंध में चर्चा है। 170 में विधानसभा के गठन के बारे में चर्चा है, कैसे विधानसभा का गठन होता है। और 171 नंबर धारा में विधान परिषद के गठन के बारे में चर्चा है, ठीक है। ये जो अब विधानसभा विधान परिषद, इसके अब कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप लोग चाहे तो किताब में या गाइड से
आप लोग पढ़ के पूरा ज्ञान ले सकते हो, मुझसे ज़्यादा, उसमें तो पूरा ब्यौरा दिया रहेगा, इतना नंबर धारा में ये कहा गया है, वो कहा गया है। लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों को कहाँ होता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो सेंटेंस उसमें लिखे रहते हैं, उसमें बोल दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली या MLA MLC। अब MLA MLC समझ में नहीं आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करना होगा कि विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं, ये सब कंसेप्ट, या विधानसभा का जो सदस्य बनते हैं, विधानसभा का गठन जो होता है किस तरीके से होता है, इलेक्शन कैसे होता है, विधानसभा क्षेत्र क्या होता है, ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बाकी तो आप लोग गूगल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किताब है, गाइड है, आप पढ़ के आप पूरा ज्ञान ले सकते हैं। तो मेरा मकसद आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग कंपैरिजन से पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के कंपैरिजन से। अब जैसे ये बताएं आपको कि राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा, उसी तरह केंद्रीय विधानमंडल का निम्न सदन लोकसभा, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद, केंद्रीय विधानमंडल का उच्च सदन राज्यसभा। अच्छा, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल जो है ये इसका सदस्य नहीं होता, ना तो विधानसभा का सदस्य होता है ना विधान परिषद का, लेकिन ये भी राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अभिन्न अंग क्यों माना जाता है कि विधानसभा और विधान परिषद द्वारा जो भी कानून वगैरह पारित किए जाते हैं, जब तक ना राज्यपाल की सिग्नेचर नहीं होगा तब तक कोई कानून नहीं बनेगा। इनकी जब बैठक होती है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, अधिवेशन होती है, तो अधिवेशन को बुलाना इन्हीं का काम है। लोग विधानसभा को भंग करना, पहले समय से पहले तोड़ देना, वही करते हैं। तो बहुत राज्यपाल पूरी तरह से, राज्यपाल के जो काम है वो पूरी तरह से विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित है, इसलिए राज्यपाल इसके सदस्य ना होते हुए भी विधानमंडल के एक प्रमुख अंग माने जाते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भारत में राज्य विधानमंडल के कौन कौन से अंग हैं, तो अंग में आपका विधानसभा, विधान परिषद, साथ में राज्यपाल भी होगा, ठीक है। और ऐसे पूछे कि कौन से दो सदन हैं राज्य विधानमंडल में, दो सदन तो होगा आपका विधानसभा और विधान परिषद, बट अंग कितने हुए, 1, 2, 3, ठीक है। अब कंपैरिजन में पढ़ेंगे हम लोग लोकसभा के साथ, लोकसभा जो लोकसभा वो वही राज्यों में विधानसभा, ठीक है। केवल फर्क क्या होगा कि यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों का नाम बदलेगा, लोकसभा के सदस्यों का नाम अलग होता है, इनके चुनाव की पद्धति अलग होती है, इनके चुनाव की पद्धति, चुनाव का तरीका अलग होता है, यही सब फर्क है। लेकिन काम जो है, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है विधान, केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल का, वो सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये विधानसभा, विधान परिषद के बारे में एक, इसके बाद आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पार्ट वन होगा राज्य विधानमंडल का। तो विधान परिषद के बारे में दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग केवल विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे लोकसभा में कि भारत में जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो राज्यों को ही मान लीजिए, जैसे ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल राज्य है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है, है तो ऐसा नहीं, ठीक है, मान लीजिए। तो पश्चिम बंगाल राज्य को क्या किया गया था, ऐसे करके 42 टुकड़ों में बांटा गया, ठीक है, 42 टुकड़ों में बांटा गया, इस तरीके से समझाए थे हम आप लोगों को पिछले वीडियो में। तो 42 टुकड़ों में एक एक टुकड़ा जो है, मतलब इसमें कई एरिया होगा, मतलब साधारणतः 3 लाख की जनसंख्या तक, कि 3 लाख की आबादी तक मिनिमम एक आपका क्षेत्र बना दिया जाता है, 3 लाख की आबादी तक, मतलब 3 लाख की आबादी जहां तक है वो एक क्षेत्र हो गया, वो एक पार्ट हो गया। तो इस तरीके से लोकसभा में क्या है, पश्चिम बंगाल में 42 ऐसे टुकड़े किए गए, तो इन टुकड़ों को कहा जाता है एक एक लोकसभा क्षेत्र, एक एक लोकसभा क्षेत्र, हर लोकसभा क्षेत्र का एक एक नाम होता है, जैसे 12-7 लोकसभा क्षेत्र, उत्तर कोलकाता लोकसभा क्षेत्र, एक एक लोकसभा क्षेत्र का एक एक नाम है। और हर लोकसभा क्षेत्र में क्या है कि हर 5 साल बाद, ये पूरा चर्चा पहले ही हुई है फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, 5 साल बाद इलेक्शन होगा, एक लोकसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक जीतता है, वो जीतकर कहाँ चला जाएगा आपका, पार्लियामेंट के लोकसभा में, लोकसभा जो हाउस था, अभी आप दिमाग में लाइए, लोकसभा का वो सदस्य बन जाता है। तो लोकसभा का सदस्य बनता है, और लोकसभा क्या है, पार्लियामेंट का ही अंग है,
तो इसका मतलब वो पार्लियामेंट का सदस्य बनता है। तो इनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा क्षेत्र से चुनकर जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। शॉर्ट में कहते हैं मेंबर का एम, पार्लियामेंट का पी, एमपी। इनको कहा जाता है एमपी। तो ये जो चुनकर गए, ये अब इनका अब राज्य से कोई लेना देना नहीं है, ये केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय स्तर की जो सरकार है उस सरकार के विधान पालिका के ये अंग बन गए। अब देश के कानून निर्माण से संबंधित इनका काम रहेगा। ये लोकसभा के सदस्य बनेंगे, लोकसभा में बैठेंगे, लोकसभा में जो कानून वगैरह पारित होते हैं उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इनका राज्य के शासन से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा समय तो इनका दिल्ली में ही बीतता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का अधिवेशन साल में 3 बार बुलाया जाता है, तो वो लंबे समय तक दिल्ली में ही रहते हैं। उनका राज्य के शासन से कोई लेना देना नहीं है। अब विधानसभा को समझिए, विधानसभा में कि जैसे लोकसभा क्षेत्र एक बड़ा एरिया को लेकर है, कम से कम 3 लाख की आबादी, लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो इस पश्चिम बंगाल में ही कोई एग्जाम्पल मानकर चलिए कि विधानसभा क्षेत्र साधारणतः 75,000 की जनसंख्या को लेकर एक विधानसभा क्षेत्र बनाया जाता है। हर विधानसभा क्षेत्र का जैसे लोकसभा क्षेत्र का एक एक नाम होता है, उसी तरह से विधानसभा क्षेत्र का भी एक एक नाम दिया रहता है। आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या नाम है आप पता कर लीजिएगा जाके। तो लोकसभा क्षेत्र जो विशाल था, बड़ा था, ठीक है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र क्या हो रहा, आबादी कम, साधारणतः 75,000 जनसंख्या को लेकर। इसलिए एक ही लोकसभा के अंदर देखिए आप 3, 4, 5, 6, 7 तक 7-7 विधानसभाएं भी एक ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर 7-7 विधानसभा क्षेत्र भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में बना दिए गए। अब हर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर भी वही सेम सिस्टम है कि 5 साल बाद राज्य सरकार बनाने के लिए, राज्य की कार्यपालिका अर्थात मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तैयार करने के लिए विधानसभा का चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, विधानसभा का चुनाव, तो विधानसभा के चुनाव में एक एक विधानसभा क्षेत्र से आपके क्या होता है कि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक जीतेगा। अब वो कहाँ जाएगा, वो जो विधानसभा क्षेत्र से जीता वो सदस्य बनेगा आपका विधानसभा का, इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, वो विधानसभा का सदस्य बनेगा। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ही देख लीजिए टोटल आपका विधानसभा क्षेत्र जो है वो है आपका फिक्स है 294, 294। तो 294 विधानसभा क्षेत्र है, इसका मतलब 294 व्यक्ति आपका विधानसभा के सदस्य बनेंगे विधानसभा चुनाव के बाद। जैसे अभी 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ, इसी साल हुआ, तो 294 व्यक्ति विधानसभा के मेंबर बने। ठीक है, अभी ये जो विधानसभा के मेंबर बने, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक क्लियर है ना कि विधानसभा क्षेत्र 294। अब ये जो विधानसभा के मेंबर बन रहे हैं तो इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेंबर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्लियर है। तो अब इनको क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा का इंग्लिश नाम लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसको शॉर्ट अगर आप करो तो मेंबर का एम, लेजिस्लेटिव का एल और असेंबली का ए, इनको शॉर्ट में क्या कहेंगे, एम एल ए। तो विधानसभा के सदस्य जो क्या कहलाते हैं, एमएलए, एमएलए। तो एमपी और एमएलए, फर्क समझ में आया। ठीक है, वो एमपी जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मतलब लोकसभा के जो सदस्य चुनकर जा रहे थे वो लोग अब लोकसभा में से और राज्यसभा दोनों को मिला के ही पढ़ाया गया पहले उसके, वो देख लीजिएगा आप लोग, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन उसमें से होता है, लोकसभा और राज्यसभा से। राज्यों में क्या हो रहा है, ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है एमएलए, मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन एमपी से हो रहा है, जितने एमपी गए। ठीक है, और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब भारत की कार्यपालिका पढ़ेंगे किस हिसाब से होता है गठन। और राज्यों में आपका ये एमएलए में से गठन होता है मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, तो मतलब स्ट्रक्चर सेम है, नाम केवल अलग है, पावर कम ज्यादा है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल का स्ट्रक्चर देखिए सेम है, तरीका सेम है। ठीक है, तो ये हो गए एमएलए, ओके, इनको कहेंगे हम लोग एमएलए। अब ये दूसरा जो सदन है उच्च सदन विधान परिषद, इसका नाम इंग्लिश में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल।
इसके गठन के बारे में अगले वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा जान के रखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होगा उसको क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो शॉर्ट में क्या होगा, MLC, इनको कहा जाएगा MLC। अब देखो केंद्र के विधानमंडल मतलब पार्लियामेंट से तुलना करके देखिए, पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा का सदस्य बनो चाहे राज्यसभा का सदस्य बनो, दोनों को ही MP कहा जा रहा है क्योंकि दोनों पार्लियामेंट का ही हाउस है। लेकिन चूंकि राज्य में विधानमंडल का कोई फिक्स नाम नहीं है, इसलिए इसके सदस्य को इस नाम से पुकारा जा रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद के सदस्य को इसके नाम से पुकारा जा रहा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर यहां कोई पर्टिकुलर नाम होता, पार्लियामेंट ना हो के कुछ भी होता, पार्लियामेंट कुछ भी एक हो, तो दोनों क्या होते, उसके मेंबर होते। ठीक है, समझ में आई बात, तो ये क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, विधान MLA MLC। ठीक है, अब आते हैं विधानसभा के गठन के बारे में। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, विधानसभा का गठन होता कैसे है, तो ये विधानसभा का चुनाव प्रक्रिया हुआ। अब विधानसभा के गठन के बारे में, जैसे मान लो पार्लियामेंट जो है संसद, वो तो पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए बनी है, तो हर राज्य में फिक्स कर दिया गया, जैसे पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा केंद्र, यूपी में 80 लोकसभा केंद्र, वो राज्य बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ लोकसभा का सीट ज़्यादा होगा। इस तरीके से हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से एक नंबर फिक्स है, ये सारा बताए हुए हैं, वो आपका लोकसभा राज्यसभा जो चैप्टर पढ़ाया था मैं, वो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, तो फिक्स है पूरे देश में, जैसा राज्य जितनी आबादी उस तरीके से लोकसभा की सीटें फिक्स है। उसी तरीके से आपके विधानसभा में जो सीटें हैं वो भी उसी तरीके से सेट की गई हैं, कि किसी राज्य में जनसंख्या कम है, कोई छोटा सा राज्य है कम आबादी वाला है, कोई ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, तो ज़्यादा आबादी वाले राज्य में ज़्यादा विधानसभा की सीटें होंगी, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो पार्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा ना, अगर छोटा राज्य हो तो इसमें पार्ट कम होगा ना, पार्ट कम होगा ना, तो किसी राज्य में अलग विधानसभा की सीटें हैं, किसी राज्य में अलग है। तो संविधान में यह कह दिया गया है कि जितनी भी सीटें हों, जो भी हो किसी राज्य में विधानसभा की सीटें, एक शर्त दे दिया गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा में 500 से ज़्यादा सीटें मैक्सिमम और 60 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए, यह शर्त रखा गया है। ठीक है, 500 से ज़्यादा ना हो सीटें, 60 से कम ना हो। ठीक है, तो जैसे आपका यूपी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जनसंख्या वाला, तो वहाँ सबसे ज़्यादा सीट है विधानसभा में 403। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वेस्ट बंगाल 294। ठीक है, 294 सीटें हैं, और एक एंग्लो इंडियन बाद में बता रहा हूँ। फिर जाके आपका आपका है महाराष्ट्र 288, उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में है आपका 234। ठीक है, तो 500 से ज़्यादा नहीं हुआ, यूपी सबसे ज़्यादा 403, लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं, और 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे राज्यों में 60 सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 60 से भी कम सीटें हैं, उनको स्पेशल राज्य का दर्जा है, तो वहां पर 60 से सीटें कम है, तो उन सारे राज्यों का थोड़ा सा जानकारी आप रख लीजिए। जैसे आपका सिक्किम, छोटा सा राज्य, पहाड़ी राज्य, वहां पर विधानसभा में मात्र 32 सीटें हैं। फिर गोवा 40, मिजोरम 40। ठीक है, इस तरीके से 60 से कम इन राज्यों में है, ये अपवाद है, होना क्या चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं, 60 से कम नहीं। ठीक है, तो सीटें हो गई कि कितनी सीटें होती हैं विधानसभा की। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कौन व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है या विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। तो विधान परिषद का सदस्य बाद में, हम लोग फोकस करेंगे आज विधानसभा के ऊपर, विधानसभा का सदस्य कौन व्यक्ति बन सकता है। तो हम लोग लोकसभा के सदस्य की योग्यता पढ़े थे कि लोकसभा का सदस्य वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, एक नंबर, दूसरा जिसका मतदाता सूची में नाम हो, तीसरा उसकी उम्र 25 वर्ष से कम ना हो, ठीक है, वो किसी कोर्ट द्वारा दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो, और साथ ही साथ वो किसी लाभ के पद पर ना बैठा हो, मतलब कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, इस तरीके से कोई सरकारी इनकम वो नहीं करता हो, अर्थात सरकारी नौकरी नहीं करता हो, अगर नौकरी करता भी है तो उसको चुनाव लड़ने के पहले नौकरी से दरखास्त करना पड़े, रिजाइन करना पड़ेगा,
ये लोकसभा के उम्मीदवार की आपकी योग्यता थी। सेम योग्यता विधानसभा के उम्मीदवार के लिए भी होती है, उम्र 25 साल से कम ना हो, मतलब जो लोकसभा वही विधानसभा, ठीक है, जो लोकसभा वही विधानसभा। हाँ, विधानसभा के सदस्यों में क्या है कि जिस राज्य के में विधानसभा का आप सदस्य बनना चाहते हैं उस राज्य के विधानसभा के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अब यूपी से कोई आकर यहाँ का विधानसभा का मेंबर नहीं बन सकता है अगर उसका वोटर लिस्ट में यहाँ नाम नहीं है तो, ये एक चीज़ है। तो विधानसभा के सदस्यों का आपका विधानसभा के सदस्य होने के लिए योग्यता है। और एक है कि जैसे मान लो कोई विधानसभा का सदस्य है MLA, वो साथ साथ MP दोनों नहीं रह सकता, दोनों नहीं बन सकता, ये भी एक क्राइटेरिया है। ये हुआ। अब आइए हम लोग पश्चिम बंगाल विधानसभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में क्या है कि सीटें जो हैं क्या बताया मैंने 294 और संविधान में ये भी कहा गया है कि राज्य का जो राज्यपाल होगा, किसी भी राज्य का, केवल पश्चिम बंगाल नहीं, किसी भी अंग राज्य का जो राज्यपाल होगा वो राज्य की विधानसभा, राज्य के विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को, ठीक है, एक आंग्ल भारतीयों को, भारतीय को अपने मन से मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, उसका इलेक्शन नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। तो उस हिसाब से पश्चिम बंगाल में विधानसभा में तब सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 294 प्लस अगर राज्यपाल एक को मनोनीत कर रहा है एंग्लो इंडियन को, तो एक 294 और प्लस एक कितना हुआ 295, ठीक है। अच्छा, अब पश्चिम, अब और एक बात है कि आप पश्चिम बंगाल की विधानसभा आप पढ़ें, यूपी की विधानसभा पढ़ें, सबका तो स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, फंक्शन एक ही जैसा है, केवल सीट अलग अलग होंगे, सीट में केवल फर्क होगा। तो आप पश्चिम बंगाल का पढ़ लें या बिहार का पढ़ लें या कहीं का पढ़ लें, बात एक ही है। अब आइए विधानसभा में, जब विधानसभा चुनाव के बाद आपका पहली बैठक होती है विधानसभा की, तो विधानसभा में जितने MLA होते हैं, विधानसभा के सदस्य, ये लोग अपने में से, ठीक है, एक व्यक्ति को विधानसभा की बैठक चलाने के लिए, विधानसभा का की बैठक चलाने के लिए एक अपने में से एक व्यक्ति को स्पीकर चुनते हैं, स्पीकर, स्पीकर, या इसको हिंदी में कहते हैं अध्यक्ष, ठीक है। और अगर ये अनुपस्थित रहे, इसकी तबीयत खराब हो जाए या और कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसकी अनुपस्थिति में सभा कौन चलाएगा, तो एक डेप्यूटी स्पीकर चुना जाता है, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो ये दो पदाधिकारी विधानसभा में होते हैं विधानसभा का की बैठक चलाने के लिए विधानसभा के अंदर। लेकिन यही लोग स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, या डेप्यूटी स्पीकर हटाओ, स्पीकर ही जो है सर्वे सर्वा होता है वहां पर, मुख्यमंत्री, जैसे लोकसभा में स्पीकर, लोकसभा में भी वही सेम है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से एक को स्पीकर चुनते हैं और एक को डेप्यूटी स्पीकर चुनते हैं, अपने सदस्यों में से, अपने MP में से, ठीक है। वो स्पीकर ही वहां पर सर्वे सर्वा है, वही पूरा कंट्रोल करेगा। वहां प्रधानमंत्री भी अगर बैठ रहा है तो प्रधानमंत्री है तो वो जो कहेगा वो होगा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को भी स्पीकर की बात मानकर चलनी पड़ेगी, स्पीकर जब जिसको जितना समय देगा बोलने के लिए या जो भी तय करेगा वो मानकर सबको चलना पड़ेगा। तो विधानसभा में और लोकसभा सेम में स्पीकर, दोनों में ही स्पीकर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो उसके अंदर वो सर्वे सर्वा है, ठीक है। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हो गया विधानसभा में। अच्छा, स्पीकर क्या करता है, डेप्यूटी स्पीकर को छोड़कर बाकी जो MLAs होते हैं उन MLA में से मैक्सिमम 6 व्यक्ति को चेयरमैन चुनता है, चेयरमैन बनाता है, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर को छोड़कर, स्पीकर हो गया, डेप्यूटी स्पीकर हो गया, मान लो 294 सदस्य हैं पश्चिम बंगाल में, तो 294 में तो दो, एक स्पीकर बन गया, एक डेप्यूटी स्पीकर बन गया, बाकी दो 292 में से मैक्सिमम 6 व्यक्ति को, संविधान में ऐसा कहा गया कि मैक्सिमम 6 व्यक्ति को स्पीकर जो है वो चेयरमैन चुन लेता है। अब मान लीजिए क्यों ऐसा किया जाता है कि मान लीजिए स्पीकर अनुपस्थित है तो डेप्यूटी स्पीकर उसका काम चला देगा, किसी कारणवश डेप्यूटी स्पीकर भी अनुपस्थित हो गया, दोनों अनुपस्थित हुए, तब सभा की कार्यवाही कौन चलाएगा। तो उस समय ये जो 6 चेयरमैन चुने जाते हैं मैक्सिमम, जरूरी है कि 6 ही चुने जाए लेकिन मैक्सिमम, उनमें से कोई जो है वो स्पीकर का काम करता है, इसलिए 6 चेयरमैन चुने जाते हैं, ठीक है। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में हो गया। और एक इसमें होगा आपका विधानसभा में, जो हम लोग लोकसभा में पढ़े थे, गणपूर्ति, कि जैसे मान लीजिए अब ये विधानसभा में 294 MLA हुए, तो
थोड़ा सा कार्यपालिका के बारे में भी जान लें, राज्य कार्यपालिका, कि इन 294 में से, ठीक है, जिस पार्टी का बहुमत होगा, जिस पार्टी का बहुमत होगा, मतलब 294 मिले हैं, तो इसमें कुछ आपका तृणमूल कांग्रेस के होंगे, कुछ बीजेपी के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ CPIM के होंगे, अलग अलग पार्टी के MLA होंगे, तो जिस पार्टी का बहुमत MLA होगा, मतलब 294 का अगर हाफ करेंगे आप, ठीक है, तो कितना होगा, 147, आधा हुआ, आधा से एक ज़्यादा, वो कहलाता है मेजोरिटी, आधा से एक ज़्यादा, मेजोरिटी समझ में आ रहा है ना, आधा किसी विषय पर अगर आपको फैसला लेना है तो आधा आधा लोग बटे रहेंगे तो फैसला तो होगा नहीं, जिस तरफ आधा से एक ज़्यादा हो जाएंगे तब हो गया मेजोरिटी, तब उनकी बात मानी जाएगी। तो जिस पार्टी का आपका मेजोरिटी रहता है, बहुमत रहता है आपका इसमें विधानसभा में, उस पार्टी के MLA में से ही एक व्यक्ति को, वो औरत भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, एक व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है, और वही मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने बाकी MLA में से जो उसको पसंद है, ठीक है, उन उनमें से कुछ नाम चुनकर दे देता है राज्यपाल को, वो क्या करता है, तो उन MLAs को, उस राज्य का राज्यपाल है वो मंत्री की शपथ दिलाता है, ठीक है, मतलब मिनिस्टर बनाता है। अब वो मिनिस्टर कौन सा मिनिस्टर होगा, किस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा, वो मुख्यमंत्री तय करता है या करती है, ठीक है, लेकिन मिनिस्टर की शपथ वो दिलाता है। तो ये प्रधान मुख्यमंत्री और जो मंत्री हुए, ये मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर हो गए राज्य की सरकार, मतलब राज्य की कार्यपालिका, सरकार तो इन द सेंस वो नहीं, राज्य की कार्यपालिका, या हम लोग जनरली सरकार कहते हैं, राज्य की सरकार। तो राज्य सरकार जो है, अब वो मान लीजिए उसको कोई कानून पास करना है, अपनी मनमानी करनी है, ठीक है, तो वो विधानसभा का आपका बैठक बुला लिया, ठीक है, विधानसभा का बैठक बुला लिया, और बैठक बुलाकर अपने ही कुछ लोगों को लेकर, 4-5-6 लोगों को लेकर वो बैठक कर लिए गए, और उसमें डिसीजन ले लिया गया, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है तो डिसीजन ले लिया गया। तो ऐसा होने से तो राजतंत्र हो जाएगा, जो मन में आ रहा है, मुख्यमंत्री और दो आदमी चले जा रहे हैं आपके विधानसभा के अंदर और डिसीजन ले ले रहे हैं और हो जा रहा है, तो ये तो राजतंत्र हो गया। तो ऐसा ना हो, ठीक है, बाकी जो सदस्य हैं, जो सरकारी पार्टी में नहीं है, दूसरे पार्टी के MLAs हैं, उनको, उनकी भी सहमति या उनकी भी एक भूमिका होनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने में। तो ऐसा करने के लिए क्या किया गया है, हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है गणपूर्ति की, कि मिनिमम कितने सदस्य होंगे तो विधानसभा की बैठक कानूनी लीगल मानी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए कहा गया कि विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं टोटल, उसका 200, जैसे 294 है पश्चिम बंगाल में, तो उसका 1/10 इतने सदस्य अगर उपस्थित रहेंगे तो ही विधानसभा की कार्यवाही लीगल मानी जाएगी। तो अब इसको भाग करके आप देखिएगा, 294 को 10 से 10 × 20 = 9, मतलब वही 30 के करीब, मतलब मिनिमम 30 सदस्य उपस्थित रहेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा में, तभी वो बैठक जो है वो लीगल मानी जाएगी। और एक शर्त है कि मान लीजिए किसी राज्य में विधानसभा में मात्र 60 ही हैं विधानसभा के सदस्य, तो यहाँ गणपूर्ति अगर देखी जाए तो क्या होगी, 60 व्यक्ति रहने से 1/10 अगर किया जाए गणपूर्ति की, गणपूर्ति के लिए क्या किया गया, गणपूर्ति मतलब मिनिमम सदस्य, उसको कहते हैं हिंदी में गणपूर्ति या इंग्लिश में कहते हैं कोरम, तो कोरम के लिए 1/10 सदस्य चाहिए, तो कितने हो रहे हैं, 6 सदस्य, मतलब 60 MLAs अगर हैं तो 6 MLA अगर जाकर बैठक कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, कहा गया है कि या तो 1/10 या फिर 10 से ज़्यादा, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही मानी जाएगी। मतलब 60 अगर MLAs हैं तो 1/10 कर रहे हैं तो कितने सदस्य हो रहे हैं, 6, तो 6 ज़्यादा है ना 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो 6 पे 1/10 उस समय नहीं माना जाएगा। 6 और 10 में से, मतलब 1/10 में और 10 में जो ज़्यादा होगा संख्या, वो गणपूर्ति मानी जाएगी। समझ में आई बात, क्लियर? तो ये हुआ। अब अधिवेशन जो है, जैसे लोकसभा का अधिवेशन आपका कहा, क्या कहा गया कि 6 महीने के से ज़्यादा 2 अधिवेशन के बीच गैप नहीं होना चाहिए लोकसभा में, ठीक है। तो हमारे देश में आपका लोकसभा का अधिवेशन 3 बार अभी बुलाया जाता है, ऐसे
मिनिमम दो बार तो होगा ही, छः महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो साल भर में तो दो बार होगा, तो तीन बार बुलाई जाती है लोकसभा का अधिवेशन। आपका विधानसभा में भी उसी तरीके का रूल है अधिवेशन का, ठीक है, आप दो बार बुलाइए, तीन बार बुलाइए, मिनिमम दो बार, ओके। तो ये मुझे लगता है कि राज्य विधानमंडल और राज्य विधानमंडल में जो विधानसभा सदन है उसके बारे में आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा हम लोग विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। विधानसभा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था हम लोग पढ़े थे कि जनरली साधारणतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सेम है आपका विधानसभा में भी, विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश विधानसभा पहले ही भंग हो जाए, बहुत सारे कारण होते हैं विधानसभा को भंग करने का, अगर सरकार ही जो है वही कहे राज्यपाल को कि नहीं 5 वर्ष के पहले 4 वर्ष में विधानसभा को भंग कर दीजिए, फिर से इलेक्शन करवाइए, तो उस सूरत में विधानसभा भंग हो सकती है। तो विधानसभा जब भंग हो जाएगी तो उस समय क्या होगा कि जो विधानसभा का सदस्य चुना गया था 5 वर्ष के लिए उसका वो 4 वर्ष तक ही MLA रह पाएगा, तो इस सूरत में कम हो जा रहा कार्यकाल। या एक आपका इमरजेंसी पीरियड है हमारे संविधान में, उसके बारे में राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। अगर इमरजेंसी है भारत में, कोई राष्ट्रीय संकट लगा हुआ है, तो उस समय जो केंद्र का पार्लियामेंट है वो विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष के बदले एक बार में 1 वर्ष और बढ़ा सकता है, तो 6 वर्ष का हो जाएगा कार्यकाल एक बार में, ठीक है। तो जनरली विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होता है, ठीक है। उसके पहले भी भंग हो तो खत्म भंग की जा सकती है विधानसभा, या इमरजेंसी पीरियड में थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। उसी तरह विधान परिषद में आइए, विधानसभा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, हालांकि विधान परिषद में बताना चाहिए, फिर भी विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का था, विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट टू में विधान परिषद के गठन के बारे में पढ़ेंगे, फिर विधान परिषद का गठन थोड़ा दूसरे तरीके से होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग विधान परिषद और विधानसभा में क्या संबंध है, ठीक है, दोनों में क्या संबंध है, किसका पावर ज़्यादा है किसका पावर कम है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग पढ़े थे बिल के क्षेत्र में कि कहाँ लोकसभा ज़्यादा भारी है कहाँ राज्यसभा ज़्यादा भारी है, वो संबंध पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज तो यहीं रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू लेकर आएंगे। ये था आपका विधानसभा विधान परिषद राज्य विधानमंडल नाम से ही आएगा वीडियो ये, हाँ, पार्ट 1, इसके बाद होगा वो पार्ट 2। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।